हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी होम रेमेडीज। डियर मदर्स, जब आपका बच्चा 6 से 7 मंथ की उम्र तक पहुंचता है तो आप ये बात नोट करती हैं कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और आपका बच्चा आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देता है। बाज़ूकत पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि बच्चों की इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है। तो डियर मदर्स, वजह ये है कि आपके बच्चे दांत निकालने की उम्र को पहुंच चुके हैं, इसी वजह से आपके बच्चे आपको पहले से ज्यादा तंग कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े भी हो गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों के दांत निकलने की इलामत और इसी के साथ साथ बहुत ही आसान रेमेडी जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को दांतों की तकलीफ से बचा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को बगैर फॉरवर्ड किए देखिएगा एंड तक, क्योंकि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा स्टाइल और मेरा यूट्यूब चैनल पसंद है तो अभी की अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका रिएक्शन मेरे लिए मोटिवेशन साबित होगा। जब बच्चे दांत निकलने के मरहले से गुजर रहे होते हैं तो जो ये मरहला होता है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ का बाइस होता है, क्योंकि जब बच्चों के दांत निकलने का अमल शुरू होता है तो बच्चे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दांत निकलने की इलामत, ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है या चिड़चिड़ा हो चुका है तो उसके पीछे रीजन क्या है। दोस्तों, दांत निकलने की जो सबसे पहली इलामत है वो ये है कि जब आपके बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चों के मुँह में सलाइवा यानी की जो राल है बहुत ही ज्यादा टपकना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे की आपके बच्चे के मुँह में हर टाइम पानी आ रहा है, थूक आ रही है। ये एक बहुत ही आम इलामत है जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा की आपके बच्चे के दांत निकलने वाले। दांत निकलने की जो दूसरी इलामत है वो ये होती है कि आपके बच्चों के जो मसूड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मसूड़ों में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो इस टाइम बच्चे हर चीज को अपने मुंह में डालते हैं, उनके हाथ में कोई भी टॉयज हो, कोई भी चीज हो, बच्चे हमेशा अपने मुँह में ही डालेंगे और चबाना शुरू कर देंगे, क्योंकि चबाने से बच्चों को बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस होता है। दोस्तों, इन तमाम तकलीफ के साथ साथ अगर आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन या मोशन की प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ सकती हैं कि आपके बच्चे टीथिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मदर, बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं तो वो आपको पहले से कहीं ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जहां आपके बच्चे अब 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे थे, अब उनकी नींद बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और उन्होंने आपको पहले से ज्यादा जगाना शुरू कर दिया है। बच्चों के साथ साथ मदर्स की भी नींद बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा पेन होती है, इसी वजह से बच्चे सही से नहीं सो सकते और ना ही ज्यादा खा पी सकते हैं। इस वजह से मदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। डियर मदर, जल्दी से बढ़ते हैं रेमेडीज की तरफ। बच्चों के दांत निकलने की तकलीफ को खत्म करने के लिए जो सबसे पहली रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच सौंफ। आपने 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब सौंफ पानी में अच्छे से बॉईल हो जाए तो आपने इस पानी को छान लेना है और अब आपने इस पानी को बच्चों को दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाना है। आप ये पानी बच्चों को दिन में 1-1 चम्मच आराम से दे सकती हैं। आप देखेंगे कि इस पानी के इस्तेमाल से आपके जो बच्चों के दांतों का दर्द है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और उनके दांत निकलने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद जो दूसरी रेमेडी, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा असरदार है। जब आपके बच्चे दांत निकलने के मरहले से गुजर रहे होते हैं तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से उनको मसूड़ों को टच कीजिए। आप देखेंगे बच्चों के जो मसूड़े हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। आपने अपने हाथ अच्छे तरीके से धोकर फिंगर की हेल्प से बच्चों के मसूड़ों पर शहद लगाना है। आप देखेंगे इस तरीके से भी बच्चों के जो मसूड़े हैं वो बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे और बच्चों को काफी सुकून महसूस होगा। आप दिन में 1 टाइम या सोते टाइम बच्चों के मसूड़ों पर शहद लगा सकती हैं। मदर्स, इन दोनों रेमेडीज के साथ साथ आप अपने बच्चों को टैबलेट्स का इस्तेमाल भी करवा सकती हैं। जो टैबलेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बच्चों को दांत की तकलीफ से बचाने में एक अहम रोल प्ले करेंगी। तो पेरेंट्स, इन टैबलेट्स का नाम है बायो 21। आप इन टैबलेट्स को बच्चों को दिन में 2 बार इस्तेमाल करवा सकती हैं, यानी कि आप 2 टैबलेट सुबह दे सकती हैं और 2 टैबलेट से बच्चों को शाम में इस्तेमाल करवा सकती हैं। आप ये टैबलेट बेफिक्र होकर दे सकती हैं, क्योंकि इन टैबलेट्स का आपके बच्चों की हेल्थ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये टैबलेट इतनी ज्यादा असरदार है कि सालों साल इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को दांत की तकलीफ से महफूज करने के लिए। दोस्तों, ये टैबलेट्स होम्योपैथिक की है, यानी कि टैबलेट्स बहुत ही ज्यादा सेफ है और बच्चों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है।
ये टैबलेट बहुत ही छोटी छोटी सी होती है और मीठी सी होती है। जब आप इनको बच्चों के मुंह में डालेंगे तो ये इजीली घुल जाएंगी। ये टैबलेट बच्चों के दांत निकलने की तकलीफ तो कम करेगी ही करेगी और साथ ही साथ बच्चों के दांत निकलने के अमल को भी आसान कर देगी। डियर मदर्स, मेरी इन तमाम रेमेडीज पर अमल कीजिए और अपने बच्चों को दांतों की तकलीफ से महफूज कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।